एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल एनर्जी किया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, हम टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं विद सम फोर्स, तो हमारे पास कितनी एनर्जी जो है पोजेस करेगा हमारा चार्ज। तो हमारे पास कितना एक्सप्रेशन आया था, जनरल एक्सप्रेशन क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। तो थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये रहा माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ए एज शोन इन द फिगर। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमने तो सबसे पहले एक ही चीज़ पढ़ी है, टोटल कोई चीज़ निकालनी है तो उनकी सारी, अगर हम टोटल फोर्स निकालते थे तो हम वेक्टर सम ले लेते थे ऑफ ऑल द फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते थे तो भी सारे पोटेंशियल्स का सम कर दो। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो भी हम सेम ही चीज़ करेंगे, जितनी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जीज बनेंगी कॉम्बिनेशन में उन सबका सम कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास माइनस ए पे एक चार्ज है, जीरो पे एक चार्ज है और ए पे एक चार्ज पड़ा है, चार्जेस सेम है क्यू, तो हमें पता है इनकी पेयरिंग होगी, एक पेयर तो बनेगा ये वाला। तो जब ये वाला पेयर बनेगा मतलब हमारे पास एक है क्यू, दूसरा भी है क्यू, माइनस ए से जीरो तक डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा ए, एक्स एक्सिस पे है ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस ए एक पोजीशन दे रखी है और एक प्लस ए, तो माइनस ए से जीरो तक ए डिस्टेंस हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, यू के क्यू वन क्यू टू बाय ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ गया, यू वन कह लेते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यू के स्क्वायर बाय हमारे पास डिस्टेंस ए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पेयर बनेगा जो चार्ज जीरो पे पड़ा है और जो चार्ज ए पे पड़ा है, तो एक चार्ज है हमारे पास यहाँ और एक चार्ज है एक्स इज इक्वल टू ए पे, जीरो ए। अब जीरो और ए के बीच में हमारे पास ये हो गया एक चार्ज ओरिजिन पे और एक चार्ज एक्स इज इक्वल टू ए पोजीशन, फिर से दो ले लिए हमने, बोला एक कॉम्बिनेशन हमने लिया जो ये वाला, अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इन दोनों का, तो कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, मान लो यू टू हो जाएगा अगेन के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू वन क्यू टू, डिस्टेंस कितना है अगेन ए है, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर। थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का, इन दोनों का, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बना हमारे पास तो ये आ गया दो एक्सट्रीम्स का, एक x इज इक्वल टू माइनस ए पे है और एक x इज इक्वल टू प्लस ए पे है, ओरिजिन से होता हुआ ये रास्ता हमारे पास एक माइनस ए पोजीशन आ गई, एक प्लस ए पोजीशन आ गई और ये आ गया x इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना है, ये a है, ये भी कितना है, ये a है, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2a, माइनस ए से प्लस ए डिस्टेंस कितना हुआ, माइनस ए से ओरिजिन a, ओरिजिन से फिर से ए पोजीशन, तो वो डिस्टेंस ए, तो ए प्लस ए टू ए, तो यू थ्री आ गया अगेन के क्यू स्क्वायर लेकिन डिस्टेंस होगा बाय टू ए। कैलकुलेट क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ऑफ द सिस्टम मतलब तीनों को ऐड कर दो, जब हम तीनों को ऐड करेंगे के क्यू स्क्वायर कॉमन बाय ए कॉमन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन बाय टू, फोर प्लस वन फाइव, तो आंसर कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 5 बाय 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। अगर आप के की वैल्यू पुट कर देते हो तो आ जाएगा 5, के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2 ए, या फिर 5 बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए, ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों करेक्ट हैं।
तो हमने बोला टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, दो चार्जेस ये, दो चार्जेस ये और दो चार्जेस ये, तीनों कॉम्बिनेशन लिए। तीनों कॉम्बिनेशंस में हमने बोला कि हम तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम टोटल ले लेते हैं, तो वो कितनी आ जाएगी, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल एनर्जीज। तो ये हम जब करेंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ हमने निकाल दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिटरमिन द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज लोकेटेड, शायद विजिबल नहीं है, डिटरमिन द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर विद साइड ए। सेम इन तीन केसेस के लिए, तीन केसेस में हमें साइड्स गिवन है कि तीनों की कितनी है ए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से तीन केसेस ले लिए हमने, तीनों केसेस के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन की, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कितने पेयर्स बनेंगे पहले हम ये देखेंगे, इसका और इसका पेयर। तो हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना होगा ए, के क्यू स्क्वायर फिर से बाय डिस्टेंस कितना होगा ए, के क्यू स्क्वायर थर्ड कॉम्बिनेशन बाय डिस्टेंस कितना होगा फिर से ए, फोर्थ कॉम्बिनेशन फिर से के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये आ जाएगा 4KQ² बाय ए। लेकिन अब इसके साथ हमारे पास डायगनल में भी तो इंटरैक्शन होगी, ये दो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करेंगे। पहले इन दोनों ने आपस में इंटरैक्शन की, फिर हमने बोला सेकेंड इंटरैक्शन इन दोनों की, थर्ड इंटरैक्शन इन दोनों की, फोर्थ इंटरैक्शन इन दोनों की, फिफ्थ ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो हमें पता है अगर ये साइड ए है, स्क्वायर है, ये साइड ए है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट टू ए के इक्वल आ जाएगा। टू ए स्क्वायर जब उसका रूट लेंगे तो अंडर रूट टू ए। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट टू ए, कितना आ गया, अंडर रूट टू ए। तो मींस एक इसकी एनर्जी हो गई, ये ले रही हूँ फिफ्थ कॉम्बिनेशन, कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस इज रूट टू ए। सिमिलरली एक और डायगनल भी है हमारे पास, तो ये वाला जो डायगनल है इसमें भी सेम होगा क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डायगनल तो वैसे ही स्क्वायर है तो सेम हो जाएगी लेंथ। तो एक और आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू ए। अब हमें दिख रहा है ये चारों चीज़ें सेम है, तो हम लिख सकते हैं 4 times के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस ये दो सेम है तो हम लिख सकते हैं 2 KQ² बाय रूट टू ए। हम कैंसिल करके इसको रूट टू भी लिख सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन करके भी लिख सकते हैं, बट ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 ये इंटरैक्शंस प्लस 2 diagonals की इंटरैक्शंस, तो टोटल 6 values होंगी, फिर उनको देख लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ हो रही है तो लिख दो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब इस सेकेंड वाले में भी यहाँ तो 4 positive charges थे वर्टिसेस पे, यहाँ पे हमारे पास 2 opposite में नेगेटिव चार्जेस हैं और 2 कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 negative हैं डायगनल्स पे और 2 positive हैं। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इन दोनों का सेकंड के लिए ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी K प्लस Q माइनस Q, स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, एनर्जी स्केलर है, तो अगर चार्ज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना होगा ए। सेकेंड इंटरेक्शन इन दोनों की ले रही हूँ, ये भी प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय अगेन ए। थर्ड इंटरेक्शन फिर से इन दोनों की ले रही हूँ, तो फिर से एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर हमारे पास फोर्थ इंटरेक्शन, ये एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब लेते हैं डायगनल्स, तो डायगनल्स में हमारे पास क्या आएगा, दोनों माइनस माइनस, दोनों प्लस प्लस, क्योंकि स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर है, तो ये भी रूट टू ए और ये भी रूट टू ए। तो जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहला कॉम्बिनेशन दोनों पॉजिटिव, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए। अब ये 4 एक जैसे, तो ये आ गया माइनस 4 KQ² बाय ए और ये आ जाएगा प्लस 2 KQ² बाय
रूट टू ए। तो ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे तो पॉजिटिव ही आंसर आना था, ये नेगेटिव थे तो इनका भी पॉजिटिव आना था, तो ऐड हो गया। बाकी सबके नेगेटिव पेयर्स बन रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस टू के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए। अगेन के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन ले सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इतना ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन, तो थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम यही चीज़ सॉल्व करेंगे कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे आती है। थर्ड कॉम्बिनेशन में थर्ड कॉम्बिनेशन है प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर से कॉम्बिनेशन ऑर्डर सेम रख रही हूँ पहले ये। तो एनर्जी कितनी हो गई थर्ड केस की, माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस आएगा बाहर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, प्लस आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, एक प्लस एक माइनस, तो के क्यू वन क्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। तुम्हें दिख रहा है चारों ही कैंसिल हो रहे हैं, तो ये तो ख़त्म। अब देखते हैं डायगनल्स वाले, तो डायगनल्स में ये वाला रूट टू है तो क्या आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए। ये दोनों फिर से एक प्लस एक माइनस, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए। अगेन इसको कट करके लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं माइनस रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी, जनरल फार्मूला ये, कॉम्बिनेशन की लेनी है, टोटल निकालनी है तो सबका निकालो और सम कर लो और हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। हर इंटरेक्शन को इंक्लूड करो और टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है ऐड करके हम निकाल सकते हैं। चलिए बेटू बाय।